प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कह दिया कि हम 400 सीट लाने वाले हैं और अब की बार 400 के पार। उसी बीच जो है उत्तर कन्नड़ा यानी कर्नाटका के एक बीजेपी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है आनंद कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा है कि हमें अगर 400 सीट आ जाएगा तो हम संविधान बदलने वाले, जिनके बाद बवाल शुरू हो गया है CPIM की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, और तमाम दलों ने कहा है कि ये बयान नहीं होना चाहिए था। और राहुल गांधी ने लिख दिया है कि ये जो है भाजपा और संघ परिवार का जो है विचारधारा है जो छुपा कर रखा है और ये जो है अभी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के बाद कहा है कि हमारा इस बयान से क्या लेना है, शो कॉज नोटिस भेज दिया है मगर पार्टी से नहीं हटाया। ममता बनर्जी पूरे देश भर में कहती है कि हम भाजपा के साथ अकेले लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव वो अकेले लड़ने वाली है 42 सीटों पर। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने जो है भाजपा का दामन थाम लिया। तो पहले वाला फैसला गलत था या अब जो फैसला लिया है वो गलत है, देश की जनता तय करेगी। मिश्रा जी है CPIM से जुड़े हैं, हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तो अलायंस है ही इनका। मिश्रा जी, आनंद कुमार हेगड़े कर्नाटका से हैं, उन्होंने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए और इसलिए हम संविधान बदलेंगे, और उनका ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र का एक जो विचारधारा जो काल्पनिक है मेरे हिसाब से उसको वो लाना चाहते हैं, तो कैसे देख रहे इस बयान को? इस बयान को में कोई दम धागा नहीं है, और पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, 400 सीट के पार तो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि रामकिशन हेगड़े जैसे लोग जो हैं वो वरिष्ठ नेता हैं अलग बात है, लेकिन ये बरसाती मेंढक की तरह टर-टर करते रहते हैं देश का एक माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे चल रही है, जिसका वोट लेने का जो एकमात्र तरीका है यही है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम 400 पार हो जाएगा तो हम हिंदुस्तान के अंदर में तमाम चीज़ों को लागू कर देंगे, ये सब चीज़ है, मुसलमान को सेकंड सिटीजनशिप में दे देंगे, तमाम चीज़ें ये सब अभी रही। अभी देखिए शुरुआत हुआ, स्टंट है, ये शुरुआत हुआ है। आने वाले दिन में आप जिस दिन चुनाव घोषणा होगा, अभी घोषणा करने वाले ही इस्तीफा दे दिए हैं अरुण गोयल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हाँ तो अभी तो पहले एक इलेक्शन कमीशन का चुनाव करना होगा। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं, अंदर में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत हर चीज़ को आजमाया जा रहा है। अच्छा तो जो बीजेपी ने उनको हटाया क्यों नहीं, उनको खाली बोला शो कॉज नोटिस? ये हम बोले ना तो वो तो उन लोगों का तो बरसाती मेढक है जो टर-टर करेगा ही, तो ये तो एजेंडा है उनका, ये उनका काम है कि ये सब करना, ये सब करके जो है देश के अंदर में एक तरीके से जो है खलफसाद मचाना चाहते हैं, और हिंदू वोटर जो हैं इस बात को लेकर खुश हो जाएं कि आने वाले दिन में अगर 400 सीट आता है तो हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर में रहेंगे। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि महंगाई पे बात नहीं होगा, बेरोजगारी पे बात नहीं होगा, बिजली पे बात नहीं होगा, पानी पे बात नहीं होगा, सड़क पे नहीं होगा, शिक्षा पे नहीं होगा, ये तमाम चीज़ों पे बात नहीं होगी। आप 400 सीट मांगने के लिए एजेंडा क्या है उनके पास में? सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र, ये सेकेंड सीटी में NRC लागू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो देश के अंदर में खलफसाद मचे, जिसका माइलेज जो है भारतीय जनता पार्टी BJP को मिले और उसके सहयोगी दल को भी मिले। दिल्ली इंटरलॉक में एक घटना कल हुआ, आप उस घटना को देख रहे हैं कि वही विचारधारा ये सब चलता बोलता चल रहा है, यही विचारधारा पूरे देश भर में है जो इंटरलॉक में नमाजी के ऊपर लात चलाया, लात मारा? एकदम गलत है, इसमें कोई नहीं है, दुख होता है। देखिए कुल मिला के बात यह है, हिंदू मुस्लिम अलग बात है, एक इंसान जो इंसान को का ये स्थिति करेगा, आदमी बोलते हैं ना कि खाता खाने और सोने वक्त जो है अगर कोई अगर इबादत में है, कोई अगर ध्यान में है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये इंसानियत को भी तार तार कर रहा है, और इंसानियत को ख़त्म करके जो है आज इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आना चाहती है देश के अंदर में। अब दिल्ली के अंदर में सरकार भले ही अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पुलिस जो है वो जो है दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, अमित शाह के अंदर में आती है। अच्छा। तो ये सब तमाम चीज़ें स्टंट एक के बाद एक होगा और हो रहा है, हम लोगों को सचेत रहना होगा। एक मिजाज जो बना हुआ है, आज ही आप देखे होंगे कि ब्रिगेड रैली जो TMC का है उस तरीके का सफल नहीं हुआ जो पिछले दिनों में सफल होता था, कि पश्चिम बंगाल के भी आवाम और जनता जो है आज उनसे नाराज़ है। आज ब्रिगेड का हम लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे, वो भीड़ जो है वो नज़र नहीं आई,
तो इस तरीके का जो चल रहा है, जो बीजेपी के साथ में है वो कमज़ोर पड़े हुए हैं, ये सांप्रदायिकता का माहौल चला के हिंदू मुसलमान करके कुछ मायदे पा लेना चाहते हैं। अभिजीत गंगोली कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो बहुत सारे मामलात में जो है बोलते थे वो बीजेपी में चले गए, तो वो कल खराब थे या अब खराब है? और ऐसे लोग जो है न्यायपालिका के जुड़े हुए लोग, गगोई जी चले गए थे बाबरी मस्जिद फैसला के बाद, तो न्यायपालिका के ऊपर भी तो सवाल उठ ही चुका है। देखिए इससे समझ में आता है ना कि एक सांप्रदायिक और एक एक संगठन संगठन का सरकार होने से वो लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे बीच में क्यों दे दिए, उसके पीछे भी तो बहुत बड़ा कारण है, इसका भी तो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। लेकिन आज जो उनके साथ में है वो जगह पे हैं, जो उनके साथ में नहीं है या तो वो इस्तीफा दे के हट रहे हैं या तो फिर वो चले जा रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी हम लोगों ने देखा है, रघुराजन जी को, ये तमाम चीज़ें हैं। इसी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। अच्छा, ममता बनर्जी किनसे लड़ रही है 42 सीट पर, बीजेपी से या आप लोग से? हम लोग से लड़ रही है। आज ममता बनर्जी के इंडी अलायंस के अंदर में उनका एक मुख्य चेहरा था, अगर वो चाहती तो अलायंस करके जो है यहाँ पे बीजेपी को जो है एक दो सीट पे ला के खड़ी कर सकती थी। अच्छा। लेकिन आज वो कंप्रोमाइज़ होके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में बीजेपी के साथ में जो है टेबल के नीचे से गठबंधन की हुई है। अच्छा। आज जो हट रहा है, देख रहा है, आवाम जो है, पब्लिक जो है समझ रहा है, इसका चर्चा का विषय है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर में जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले दिन में यही आवाम जो है, यही जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। ठीक है। पूरे देश भर में दो बड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये कि दो इलेक्शन कमिश्नर जो है होते हैं उन्होंने अपना रिज़ाइन कर दिया, जो गोयल जी है, उसके साथ ही साथ आनंद कुमार हेगड़े जी जो है लोकसभा के सांसद है भाजपा के उत्तर कन्नड़ से, उन्होंने कहा 400 सीट दीजिएगा तो हम संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी वाम दलों की तरफ से लगातार उनके ऊपर जो है अब कटाक्ष चल रहा है, हालांकि पार्टी ने उनको निकाला है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये दम भरती हैं कि वो जो है भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूती से लड़ रही हैं, मगर दीदी जो है 42 सीटों पर अकेले लड़ने का निर्णय कर लिया है। हालांकि जो सर्वे आ रहे थे वो सर्वे ये बता रहे थे कि अगर दीदी इंडिया अलायंस के साथ लड़ते तो सीटें भी बढ़ जाती और भाजपा की सीटें कम होती, अब अगर अकेले लड़ते हैं तो भाजपा की सीटें भी बढ़ रही है और दीदी की सीटें कम हो सकती हैं, ये सर्वे बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है इंडिया अलायंस में और कितने लोग बचते हैं। वैसे ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को भी उतार ही दिया है, तो अब क्या देखने को बचेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा मोहम्मद शमी के अप्रोच में है कि वो बसीरहाट से इलेक्शन लड़ दें, जहाँ पर संदेश खाली का मुद्दा एक लगातार सुर्खियों में था। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।